सरोकार। सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजीपुर दौरा आज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिवंगत बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राइफल क्लब में अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजीपुर दौरा आज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिवंगत बीजेपी नेता प्रभुनाथ चौहान के घर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ेंगे। पवन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज गाजीपुर दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? हम आपको बता रहे कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज गाजीपुर में दिवंगत नेता प्रभुनाथ चौहान जलालापुर में जो है उनके यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो अपने पूर्व एमएलसी बृजभूषण कुशवाहा के आवास पर पहुंचेंगे, जहां उनसे वार्ता करेंगे, भेंट करेंगे। इसके पश्चात वो भाजपा जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। उसके बाद गाजीपुर में हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और राइफल क्लब में गाजीपुर के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। पवन, डिप्टी सीएम के साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? जी, हम आपको बता दें कि यूपी डिप्टी सीएम के अभी 24 घंटे पहले ही जिला प्रशासन को प्रोटोकॉल मिला था, तो लगभग शासन प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैद है। और जहां तक अपडेट हमारे पास आ रही है कि यूपी डिप्टी सीएम के साथ स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और गाजीपुर एमएलसी विशाल सिंह चंचल भी मौजूद रहेंगे। चूंकि यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं और उसके ठीक यानी कल, हम आपको एक और अपडेट दे दें कि कल अखिलेश यादव का भी गाजीपुर में दौरा है, तो उसको लेकर सियासी हलचल भी यहाँ पे तेज हो गई है। इसके कुछ दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल गाजीपुर की धरती से फूंका था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी गाजीपुर आ रहे हैं, अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को चुनाव के बारे में भी जानकारी देंगे। पवन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कब तक गाजीपुर में रुक सकते हैं, क्योंकि कल आप जैसा बता रहे हैं अखिलेश यादव का भी आगमन है गाजीपुर में? जी, यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लगभग 3 घंटे का कार्यक्रम गाजीपुर में है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से उनके कार्यक्रम को लेके चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। सुरक्षा की भी भारी व्यवस्था की गई है। चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वहां के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, गाजीपुर में बन रहे ऑडिटोरियम का निरीक्षण करेंगे और जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्लाईओवर का 9 फरवरी को लोकार्पण होगा, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही है। अमौसी एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ता है यह फ्लाईओवर। सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लाईओवर का 9 फरवरी को लोकार्पण किया जाएगा। बता दें अमौसी एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ता है ये फ्लाईओवर। सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर
खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, 9 फरवरी को फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा जिसमें सीएम योगी और रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी मयूरी, आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से ठीक पहले अमौसी एयरपोर्ट के लिंक रोड की शुभारंभ की जा रही है। आपको बताएं कि शहीद पथ से और अमौसी एयरपोर्ट तक एक रास्ता बनाया गया है जिससे कहीं ना कहीं देखें तो लंबे अरसे से जाम लगने की समस्या थी, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर रखते हुए इससे ठीक पहले उसे पुल का लोकार्पण किया जाएगा। आपको बताएं कि कल दोपहर के समय सूबे के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के द्वारा इसका लोकार्पण होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहीद पथ और के पास जो तमाम जाम की समस्या थी अमौसी एयरपोर्ट पे, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलते हुए नजर आएगा। आपको बताएं कि ये लिंक सड़क तय समय अनुसार जल्द से जल्द तैयार किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर वहां पहुंचकर रक्षा मंत्री के साथ इस शिलान्यास का शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साथ ही आपको बताएं कि देश के रक्षा मंत्री अपने लगभग 3 दिनों तक लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ में कल उनका पहला दिन होगा। और बात करें तो 10 तारीख से प्रदेश के विकास में रफ्तार लाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है और उससे ठीक पहले ये कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों को जाम की समस्या से निदान दिलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाएगा। कहीं ना कहीं देखें मयूरी, तो लंबे अरसों से आप खबरों में सुन रही होंगी कि अमौसी एयरपोर्ट पर लगातार जाम की समस्या से आम जनमानस जूझता रहा है, उससे कहीं ना कहीं कल निजात मिलेगी और जिन्हें शहीद पथ से सीधे एयरपोर्ट उनका गंतव्य होगा वो सीधे एयरपोर्ट जा सकेंगे और बाकी वहां से सीधे कानपुर जाने की भी व्यवस्था बनाई गई है। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अस्पतालों में निमोनिया की वैक्सीन का संकट, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी अस्पतालों में 1 महीने से वैक्सीन का संकट देखने को मिल रहा है। सीएचसी पीएचसी समेत सरकारी अस्पतालों में कमी है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कंपनी की ओर से आपूर्ति ना किए जाने से कमी आई है। निजी अस्पतालों में भी आसानी से नहीं मिल रही डोज। रोजाना सैकड़ों बच्चे बिना टीका लगाए ही लौट रहे हैं, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बलरामपुर सिविल लोकबंधु में नहीं है वैक्सीन। संयुक्त चिकित्सालय बीआरडी महानगर में भी नहीं है वैक्सीन। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ के अस्पतालों में निमोनिया की वैक्सीन का संकट देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में जो निमोनिया की वैक्सीन है उसकी लगातार जो है वो कमी बनी हुई है। पिछले 1 महीने से इन वैक्सीन की कमी बनी हुई थी। सीएचसी से लेकर पीएचसी तक सरकारी अस्पतालों में इसकी कमियां जो है अब तक बनी हुई है। अब फिलहाल जो कंपनी इस वैक्सीन को आपूर्ति करती है उसकी तरफ से आपूर्ति अभी तक पूरी नहीं की जा सकती, इसकी वजह से ये कमियां आई है। लेकिन वहीं अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों में ये डोज जो है, ये वैक्सीन जो है अभी आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि सभी जो है सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, इसलिए रोजाना काफी ज्यादा संख्या के मात्रा में बच्चे जो है बिना टीका लगवाए ही लौट रहे हैं और उनको निजी अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। अगर बात करें लखनऊ के बड़े अस्पताल जैसे बलरामपुर सिविल अस्पताल, सिविल अस्पताल या लोकबंधु अस्पताल है, वहां भी इन वैक्सीनों की कमी बताई जा रही है। इसके अलावा जो संयुक्त चिकित्सालय है बीआरडी महानगर है वहां भी जो है वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। तो इस हिसाब से लोग जो है अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों का रुख न करके इसकी वजह से निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं जिससे उनकी जेब पे भार पड़ रहा है। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। नकल कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कोई शिक्षा किया नकल कराते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, से यूपी बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं नकल कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा होनी है और नकल के मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि यदि कोई भी केंद्र व्यवस्थापक नकल कराता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो नकल माफिया होते थे, जो बोर्ड परीक्षाओं में नकल का पूरा खाका तैयार करते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं एसटीएफ के द्वारा नकेल कसी जा रही है। एसटीएफ जगह जगह ये नजर बनाई हुई है कि किस तरीके से जो नकल माफिया थे उन नकल माफियाओं को के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है वो उत्तर प्रदेश के हर केंद्र पर जहाँ जहाँ बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वहाँ पर 54 व्यवस्थाएं रहेंगी और यदि किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था को कोई बाधित करता है, अगर नकल परीक्षा कराता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जाएगी और तुर्की उनके यहाँ की तुर्की भी की जाएगी। तरीके का जो निर्देश मिल रहा है ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यदि कहीं भी नकल कराए कोई पकड़ा जाता है, केंद्र व्यवस्थापक हो या नकल माफिया हो या कोई परिजन हो, तो उनके ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई करने का प्रावधान बनाया गया है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।